गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं अस्थमा ट्रीटमेंट की। अस्थमा जिसमें कि सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और कई लोगों को होता है, ओल्ड एज में अगर हो तो काफी बड़ी दिक्कत उत्पन्न करता है, छोटे बच्चों की भी संभावना है होने की। और अस्थमा का जो अटैक है तब ज्यादा हो जाता है जब मौसम में नमी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। तो छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं और अंत में देख लेंगे कि बेहतरीन मेडिसिन अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी है और उसको कैसे लें। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। तो देखिए, जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसको एयरवेज बोलते हैं, वो यहाँ पे माउथ है, इस तरह से माउथ से होते हुए फिर आगे आता है ट्रेकिया। ये पूरी जो ट्यूब है ये ट्रेकिया है यहां से यहां तक, ठीक। और ये ट्रेकिया आगे जाके फिर डिवाइड हो जाती है ब्रांकस में, इस तरह से। और ब्रांकस के बाद इधर इस तरह से लंग है दोनों तरफ, इस तरह से। बेसिकली इतना ही समझ सकते हैं कि ये नोज है जो बाहर खुली हुई है और ये दोनों तरफ के लंग हैं। मेन काम क्या है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की व्यवस्था को बनाए रखना। कुछ लोगों के म्यूकस मेम्ब्रेन की सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, इस वजह से यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग, और स्वेलिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो ट्रैक्ट है पतला हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से, और जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है उसके ट्रैक्ट में क्या हो जाता है कि स्वेलिंग की वजह से ये इस तरह से बन जाता है। तो अब देखिए, जितना हवा यहां पे आने के लिए स्पेस है यहां पे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अस्थमा के पेशेंट के सबसे खास फीचर्स क्या है कि जब सांस लेता है तो उसको कम दिक्कत होती है, यानी इसके अंदर सांस भरने में कम दिक्कत है। दिक्कत ज्यादा कब है? निकालने में। जब सांस को बाहर निकालता है तब दिक्कत होती है ज्यादा, और चलने फिरने से अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है। तो देखिए, अस्थमा बेसिकली दो टाइप का होता है। एक कार्डियक अस्थमा, यानी जिसका सेंटर जो है हर्ट है और हर्ट की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ दिया है, तेज चल दिया, तो उस वजह से दिक्कत आ जाती है। और ये जो अस्थमा है पल्मोनरी अस्थमा, इसमें पूरा सेंटर कहां पे है? लंग पे। तो सांस जब लेता है तो थोड़ी कम दिक्कत है, निकालते समय सीटी जैसी आवाज आती है जिसको वीजिंग रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो उसका मेन कारण इस तरह से है कि यहां पे जो इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो स्वेलिंग हो गई, इस वजह से पाथ जो है सकरा हो गया है। तो सकरा हो जाने की वजह से जब हवा निकलती है उसमें से तो सीटी जैसी आवाज आती है। जैसे एक पतली सी ट्यूब, छोटे बच्चे होता ना, एक पतली सी छोटी सी ट्यूब ले लिया और उसमें हवा भरते हैं तो आवाज सी आने लगती है। ठीक वही बात यहां पर है कि यहां पर स्वेलिंग हुई, इस वजह से ये जो ट्रैक्ट क्या हो गया, पतला हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत सांस निकालते समय। ऐसा इसलिए है कि जैसे मान लीजिए इस तरह से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसी को बड़ा समझा दिया गया, तो इस तरह से ऐसे है, ऐसे मेम्ब्रेन तो हैंग करती हैं नीचे की तरफ, ऐसे लटकती रहती हैं। तो जब ऊपर जाती है, नीचे लटक रहे इस तरह से, ऐसे जब ऊपर जाता है तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा टाइट हो जाता है इस तरह से, तो और पतला हो जाता है। यानी जब सांस निकालने लगा था तो ठीक है, और जब बाहर ले जाता है तो अब होता क्या है कि ये जो नीचे लटके हुए थे वो सीधे हो जाते हैं इस तरह से, और जब सीधे हो जाते हैं तो जो रास्ता है वो और पतला हो जाता है। तो सांस लेते समय तो नीचे मुड़ जाते हैं आसानी से, लेकिन निकालते समय टाइट हो जाते हैं, तो ये और पतला हो जाता है। इसी वजह से वीजिंग रिस्पायरेशन, यानी अस्थमा का फीचर्स क्या है कि सीटी जैसी आवाज आती है ना। सीटी जैसी आवाज आना मतलब अस्थमा ही है, उसका सेंटर हर्ट नहीं है, हर्ट सेफ है। और अगर
चलने फिरने से सांस की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा दिक्कत करती है, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए अस्थमेटिक मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। देखिए यहां पे लिखा है एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, जो एयरवेज है यानी जो सांस की नली है नोज से लेकर के लंग तक वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, स्वेलिंग आ गई है, इसलिए नैरो हो गई हैं, सकरी हो गई हैं, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, म्यूकस भी बनाती हैं, और म्यूकस यहां पे ज्यादा बनता है। नॉर्मली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से नम बनी रहे नहीं तो सूख जाएगी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में थोड़ा थोड़ा अपनी सुरक्षा के लिए म्यूकस बनता रहता है, जब एक्स्ट्रा बन रहा है तब अस्थमा का सिम्टम्स है। तो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, वीजिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग आउट, जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तब ब्रीदिंग साउंड, जो ब्रीदिंग हो रही है बाहर जो सांस निकाल रहे हैं तो वीजिंग साउंड आ रहा है, सीटी जैसी आवाज आ रही है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है और जोर से दम लगा के सांस निकालना पड़ता है, जैसे लगता है कि सांस रुक सी गई है, निकल नहीं पा रही है। और चेस्ट टाइटनेस, जो चेस्ट है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है और दर्द भी कर सकता है। और वीजिंग व्हेन एक्सहेलिंग, जब सांस बाहर निकालते हैं तब आवाज आती है सीटी जैसी, और जो वीजिंग है वो ज्यादा हो जाता है जब ठंडी का मौसम आ जाए या फिर सर्दी जुकाम हो जाए। तो सर्दी जुकाम हो जाने से यहां पे देखिए यही पे दिक्कत आ गई, पहले इधर इस तरफ दिक्कत थी, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया, ये ब्रांकस, लेफ्ट राइट ब्रांकस। तो अगर यहीं पे सिम्टम्स, पहले दिक्कत थी यहां से यहां तक ऐसे, और कोल्ड फ्लू हो गया तो इधर ही दिक्कत स्टार्ट हो गई, तब बीमारी के जो लक्षण है वो और ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह से अस्थमा के कॉमन सिम्टम्स हैं जो फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं। और तो इस तरह से अस्थमा के लिए होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं, 100-200 दवाइयां हैं अस्थमा के लिए, उसमें से यहां पे जो तीन दवाइयां बताई जा रही हैं वो कॉमन मेडिसिन है, अधिकतर लोगों के अस्थमा को ठीक कर देती हैं। अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, नियर बाय पास में देख लें, कंसल्ट करें। यहां पे जो तीन दवाइयां बताई गई हैं वो अधिकतर अस्थमेटिक पेशेंट में काफी इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं। तो पहली मेडिसिन है इस तरह से ईपीकाक, इसकी 1 mg पावर की ले लें और इसको केवल रविवार लेना है, केवल रविवार 4 बूंद 5-5 मिनट में 3 बार, यानी अभी 4 बूंद लिया, फिर 5 मिनट बाद फिर 4 बूंद लिया, फिर अगले 5 मिनट बाद फिर 4 बूंद लिया, इस तरह से, यानी पहले 5 मिनट फिर दूसरा 5 मिनट फिर तीसरे 5 मिनट में, इस तरह से कुल 12 बूंद लेना है, केवल रविवार को, रिपीट नहीं करना है, जल्दी जल्दी केवल रविवार को लेना है। इस तरह से केवल रविवार को 4 बूंद 5-5 मिनट में 3 बार ले लिया आपने ईपीकाक, ठीक। और बाकी बचे हुए दिनों में यानी सोमवार से शनिवार तक दूसरी या तीसरी मेडिसिन लेना है। दूसरी मेडिसिन है सेल्फियम लेसिनेटम, इसकी 30 पावर की ले लें, 4 बूंद 3 टाइम, डायरेक्ट जीभ पर लेना है, तो 4 बूंद 3 टाइम लें। और तीसरी मेडिसिन है अरेलिया रेसिमोसा, अरेलिया रेसिमोसा, इसका मदर टिंचर ले लें और 15 बूंद 3 टाइम, 3 टाइम हाफ कप पानी में घोलकर, तो हाफ कप नॉर्मल पानी में घोल के 3 बार लें। तो इन तीनों दवाओं से संभावना है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, इस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उन सब सिम्टम्स में धीरे धीरे आराम आता जाएगा और अस्थमा की इंटेंसिटी अगर रिवर्सिबल नेचर का है तो ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक दवाओं से इरिवर्सिबल चेंज जो हो जाते हैं वो सब ठीक नहीं होते हैं।
तो रिवर्सिबल चेंज को ठीक करती है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इस तरह इन तीनों दवाओं को लें। अगर आपके नियर बाय रिलेटिव में किसी को भी अस्थमा की दिक्कत है तो उसको सजेस्ट करें कि इन तीन दवाओं को जिस तरह से बताया गया ऐसे यूज करें, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अस्थमा के लिए। बात समझ में आई? तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनके भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।